Beh, che se niente tu. मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज हूँ। इस वक्त मैं मस्जिद जमगरान के पास ही जगह है, यहाँ पे पांच इमामजादों का हरम है और इमामजादा नासिरुद्दीन, इमामजादा मोहम्मद, इमामजादा हादी, इमामजादा मेहदी, इमामजादा जाफ़र और बीबी सकीना खातून, ये सब के सब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। आए चलें अब इनके हरम में चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज हूँ वसाहिल मखरज हूँ वरजुकना शफात हूँ वरहम नबीम या अरहम राहिमीन। आस्थान मुकद्दस से पंज इमामजादगान जम करा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज हूँ वसाहिल मखरज हूँ वरजुकना शफात हूँ वरहम नबीम या अरहम राहिमीन। ये सहन है यहाँ का, اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم يا ارحم الراحمين। ये वो इमामजादे हैं जहाँ पे मैं खुद पहली मरतबा आया हूँ और इससे पहले ज़हर जब बुलावा होता है तभी इंसान जो है यहाँ पे आ सकता है। इन पांच इमामजादों के जो यहाँ पे हैं, इमामजादा सैयद मोहम्मद नासिरुद्दीन, सैयद हादी, सैयद मेहदी, सैयद जाफ़र, बीबी सकीना खातून। सैयद मोहम्मद नासिरुद्दीन का शजरा नसब जो है वो अब्दुल्ला बाहिर इमाम सज्जाद तक जाके पहुँचता है। ये तीसरी सदी हिजरी में आपने हिजरत की कुम की तरफ और चंद वास्तों से आपका जो है वो सिलसिला नस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तक मुंतही होता है। जमकरान के मशहूर इलाका गरगाब में बारी सादात में से पांच इमामजादों के मज़ारात मुकद्दस मौजूद हैं, जिनमें से मुअर्रखीन ने सैयद मोहम्मद नासिरुद्दीन और उनके बेटों की कबूर को इस इलाके में जिक्र किया है। हज़रत मोहम्मद नासिरुद्दीन जो एक बहुत अजीम शख्सियत, बहरहाल परवरदिगार आलम का करम है, उसने समय बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाई। काजारी ज़माने में इस हरम का जो है वो संगे बुनियाद रखा गया और बहरहाल इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। ये तीन इमामजादों का यहाँ पर हरम है। आस्थान मुकद्दस इमामजादगान साहब नासिरुद्दीन व हादी व मेहदी अलैहिस्सलाम, अजनवादगान सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ने दुखूल इस बारगाह का हम पढ़ते हैं कुर्बतन इलल्लाह। بإذن الله وإذن رسوله وإذن ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين والأئمة المعصومين أدخل هذه الروضة المباركة وأدعو الله بفنون الدعوات وأعترف لله بالعبودية وللنبي والأئمة المعصومين عليهم السلام بالطاعة ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا। नीयत करें ज़ियारत इमामजादा नासिरुद्दीन, इमामजादा हादी, इमामजादा मेहदी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं अपनी तरफ से, अजीज़ अकरबा रिश्तेदारों की तरफ से कुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अय्युहस सादातुल अज़किया अत्ताहिरूनल औलिया अद्दुआतुल अहफिया अशहदु अन्नकुम कुल्तुम हक्का व नतक्तुम हक्का व सिदका व दअउतुम इला मौलाया व मौलाकुम अला अनियतन व सिर्रा।
تتبعكم ونجا مصدقكم وخاب وخسر مكذبكم والمتخلف عنكم اشهدوا لي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتكم وطاعتكم وتصديقكم واتباعكم والسلام عليكم يا ساداتي وابناء ساداتي ويا محمد ناصر الدين وهادي ومهدي ابناء زين العابدين عليهم السلام انتم باب الله المؤتمن والمأخوذ عنه واتيتكم ظاهرا وآياتي لكم مستودعا وانا ذا استودعكم ديني وامانتي وخواتيم عملي وجوامع عملي الى منتهى جلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آستان مقدس امامزادگان ناصر الدین امامزادہ ہادی موجود ہیں پروردگار کی اس زیارت کو قبول و مقبول فرمائے محمد و آل محمد و عجل فرحم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائی فی حاضر حصات و فی کل سا ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارزکتو ان و تمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وآلہ آبائے فی حاضر ساعت و فی کل ساع ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکینہو ارزکتو ان و تمتعہو فیہا طویلا اس بارگاہ میں امام سجاد علیہ السلام کی اولاد ہے کہ جتنا ہم موجود ہیں اس وقت میری دعا پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی حاجات کو پورا فرمائے اور جو جو کرونا وائرس کے مریض ہیں پروردگار عالم ان سب کو شفا و عافیت عطا فرمائے اس وقت کافی کثیر تعداد میں کرونا کے مریض جو ہیں اس وقت بہت زیادہ ہو چکے ہیں پاکستان میں اور آپ دعا فرمائیں پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سب مریضوں کو شفا عطا فرما پروردگار وینٹیلیٹر پہ کچھ مریض ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو اس وقت آئی سی یو میں ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو جن کی بہت کرٹیکل کنڈیشن ہے بہت بری حالت ہے پروردگار عالم سب کو شفا عافیت عطا فرمائے یہ پورا محوطہ جو ہے یہ امامزادے کا ہے امامزادگان کا بہت بڑی جگہ ہے یہ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم یہ میں دوسری طرف سے اس بارگاہ میں پہنچا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم ابنائے امام زین العابدین علیہ السلام محمد ناصر الدین اور امامزادہ ہادی اور امامزادہ مہدی جن کی بارگاہ میں ہم اس وقت موجود ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم السلام علیکہ یا علی ابن الحسین السلام علیکہ یا زین العابدین و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم لن اول ظالم دلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین لہو ولا ذالک جاہدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم آئیں یہ تقریبا 70 دن کے بعد یہ حرم کھلے ہیں اور صحنوں میں ابھی جو ہے آپ آ جا سکتے ہیں صبح 7 سے شام 7 بجے تک اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مرحلے میں دعا فرمائیں کہ یہ کرونا کی منحوس وبا جو ہے ختم ہو تاکہ سب جو ہے صحیح معنی میں آ کے جو ہے یہاں پہ زیارت کر سکے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و سہل مخرجہم ورزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین یہاں پہ یہ دو امامزادے ہیں وہاں پہ 3 امامزادے تھے یہاں پہ 2 ہیں ایک امامزادہ جعفر ہیں اور ایک بی بی سکینہ خاتون سلام اللہ علیہ اجمعین تو ان کی بارگاہ میں ہم اس وقت موجود ہیں پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی حاجات کو پورا فرمائے اور قبول و مقبول فرمائے اللہم صلی علی محمد رجہم زیارت امامزادہ جعفر اور بی بی سکینہ خاتون علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایھا السیدان الزکیان الطاہران الولیان
والدائيان الحفيان أشهد أنكما قلتما حقا ونطقتما حقا وصدقا ودعوتما إلى مولايا ومولاكما علانية وسرا وكما ونجا مصدقكما وخاب وخسر مكذبكما والمتخلف عنكما اشهد لي بهذه الشهادة ليكون من الفائزين بمعرفتكما وطاعتكما وتصديقكما واتباعكما والسلام عليكما يا سيدي وابن سيدي يا جعفر بن زين العابدين ويا سكينة بنت زين العابدين أنتما باب الله المؤتى منه والمأخوذ عنه أتيتكما ظاهرا وحاجاتي لكما مستودعا وهانذا أستودعكما ديني وأمانتي وخواتيم عملي وجوامع ولي لا منتهى أجلي والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آستان مقدس امام زادہ جعفر خاتون سلام اللہ علیہ اجمعین میں علم تمام افراد جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی اور جو اس وقت لائیو میں ہمارے ساتھ ہیں پروردگار عالم ان سب کی تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تمام کی مشکلات دور ہوں تمام کی پریشانیاں دور ہوں اللہم صلی علی الفرجہم وسہل مخرجہم ورزقنا شفاعتہم ورحمنا بہم یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اس وقت قم المقدسہ سے آپ لائیو زیارت کر رہے ہیں آستان مقدس ابا جعفر محمد ناصر الدین اور بی بی سکینہ خاتون سلام اللہ علیہم اجمعین کی پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی حاجات کو پورا فرمائے تمام کی مشکلات کو دور فرمائے جس جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو فردن فردن اپنی بارگاہ اقدس سے منظور و قبول فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم يا ارحم الراحمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الامور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام ثبت قلوبنا على دينك رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اولاد سید الساجدین کی بارگاہ سے چلتے ہیں کربلاء معلا وہ کربلاء معلا کہ جس نے آل محمد کو بہت رولایا وہ کربلاء معلا کہ جس نے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام امام سجاد مخصوصاً خون کے آنسو روتے رہے جس کو یاد کر کے شام کو اور کربلا کو خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے خدا آپ کو آباد و شاد رکھے عددانہ نے مظلوم کربلا جیسے کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کوفے جب پہنچا ہوں تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی چلو کربلا چلو کہتے ہیں میں نے کہا کربلا میں کیا بات ہے کربلا کیوں جا رہے ہیں کہا ایک باغی نے نعوذ باللہ خروج کیا ہے تو ہم نے کربلا جانا ہے کہتے جب یہ آواز سنی تو میں نے کہا اللہ جانے یہ کس کو کہہ رہے ہیں کون ہے باغی کہتے میں گھر آیا کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہیں تلواریں تیز ہو رہی ہیں کہیں پتھروں کی نوکیں بنائی جا رہی ہیں کہتے ایک عجیب منظر میں نے کوفے میں دیکھا تیروں کی نوکیں بنائی جا رہی تھی تیروں کی دھاریں تیز کی جا رہی تھی خنجر تلواریں تیز کی جا رہی کہتے میں نے کہا اللہ جانے کیا وجہ ہے کون ہے کون سے ملک کا لشکر ہے جس سے جنگ ہونی کہتے ہیں یہ آل محمد کا چاہنے والا تھا کہتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا تو میری بیٹی مجھے کہتی ہے بابا آپ کربلا نہیں گئے میں نے کہا بیٹی کربلا میں کیا بات ہے کہا بابا ایک باغی نے خروج کیا ہے کربلا آپ جائیں تو جب کربلا سے واپس آنا تو میرے لیے کربلا سے ایک انگوٹھی لے کے آنا یہ کہتا ہے جب مجھے میری بیٹی نے کہا نا کہ کربلا سے انگوٹھی لے کے آنا تو کہتے ہیں یہ بات میرے دل پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوئی میں نے کہا ٹھیک ہے کہتے میں وہاں سے روانہ ہوا تلوار لے کے چلا کہتے ہیں جب میں کربلا پہنچا ہوں نا یہ امام حسین کا آخری حملہ تھا ملتا ہے امام حسین نے تین
चार हमले इमाम हुसैन के बड़े मखसूस और मशहूर हैं कि मिलता है कि फौजें कूफे की दीवारों से जाके टकराई। तो कहते हैं वो मौका था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमला किया। ये इसलिए तो कहते हैं कि एक शख्स ने ख्वाब में जनाब सैयदा को देखा, फरमाती हैं कि मेरे हुसैन की मजलूमियत के साथ मेरे हुसैन की बहादुरी भी बयान किया करो। मिलता है कि करबला से पहले हर एक की ज़बान पर यह फिक्र था अगर जंग है तो हैदर कर्रार की है, और करबला के बाद ये था कि अगर जंग है तो हुसैन मजलूम करबला की है। अमीरुल मोमिनीन पे कभी ऐसा मौका नहीं आया कि जवान बच्चों के लाशें उठा के मौला ने जंग की हो। अमीरुल मोमिनीन पे ऐसा मौका नहीं आया कि आपने बच्चे के सीने से बर्छी निकाल के जंग की हो। अमीरुल मोमिनीन पे ऐसा मौका नहीं आया कि आपने बच्चे के गले से तीर निकाल के जंग की हो। अज़ादारों कूफे की दीवारों से जाके फौजें टकराई, मेरी जानें कुर्बान हो जाएं, खुदा आपको कभी किसी गम में मुबतला ना करे। अज़ादारों आप खुदा आपको आबाद शाद रखे। वो मौका आया, अज़ादारों कहता है कि जब मैं करबला में पहुंचा हूं तो हर तरफ से आवाज आ रही थी मारो इस बागी को। कहते हैं मैंने कहा यार ये बागी नहीं लगते, ये तो कोई नमाजी लगते हैं। और कहते हैं चेहरे से नूर, कोई कहता है अलमान अल हफीज। कहते हैं मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, तो कोई कहता भाग जाओ यहाँ से, जान की अमान है तो निकल जाओ करबला से। कहते हैं मैंने कहा क्या वजह, तो देखा कि एक तलवार चल रही है और कुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं। कहते हैं मैंने कहा यार ये तो बहुत नूरानी शख्सियत है, कौन है? कहते मैं एक टीले पर खड़े होकर मौला हुसैन की जंग देख रहा था। कहते मैंने देखा एक मरतबा लश्कर छटा और इमाम मजलूम मेरे पास आए और मुझे अपने हाथ से अंगूठी उतार के मुझे दे के कहते हैं कि ये अंगूठी ले जा, अल्लाह अकबर, अपनी बेटी को दे देना और उससे कहना वो बागी नहीं, वो नमाजी, वो सैयदा का लाल हुसैन है। अज़ादारों मेरी जान कुर्बान हो जाए, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए, हमेशा आपको आबाद शाद रखे, खुदा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुदा आपको सेहत व सलामती के साथ तुले उम्र अता फरमाए। अज़ादारों मेरी जान कुर्बान हो जाए, जब अंगूठी दिए ना कब मौला आप है, कहा उसकी बेटी को बता देना उस सैयदा का लाल है, अली मुर्तजा का बेटा है। अज़ादारों मेरी जान कुर्बान हो जाए, अजीज़ों मेरी जान कुर्बान हो जाए, हम सब की जान कुर्बान हो जाए। अज़ादारों वो मौका आया, कहते मैंने कहा मौला मुझे इजाज़त दे, कहा नहीं अभी नहीं, अभी जंग का मौका नहीं आया। अज़ादारों जब ये जुमला कहा है ना कि अभी जंग का मौका नहीं आया, कहा मौला मुझे इजाज़त दे, मैंने आपकी तरफ से आपकी हिमायत में जंग करनी है। अज़ादारों कहते जब दो तीन मरतबा मैंने इसरार किया तो मौला की आवाज़ आई अभी नहीं। अज़ादारों तुम्हारा नाम लिस्ट शुहदा में नहीं है। अज़ादारों मेरी जान कुर्बान हो जाए, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। कहते मैंने इसरार किया, मौला ने मुझे घूर के देखा, मैं बेहोश होकर जमीन पर गिरा, मैं बेहोश होकर जमीन पर गिरा। कहते जब खुशी से इफाका हुआ तो फजाए बसीत में एक आवाज बुलंद थी, अला कुतल अल हुसैन बे करबला, अला सुबे अल हुसैन बे करबला। मौला हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया, मौला हुसैन को करबला में ज़िबा कर दिया गया। अज़ादारों कहते जब ये आवाज़ बुलंद हुई, क्या मैंने मंजर देखा, सियाह आंधियाँ चलने लगी, आसमान से खून बरसने लगा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे यकीन है कि जब ये आवाज़ बुलंद हुई अला कुतल अल हुसैन बे करबला, तो मुझे यकीन है सास सैयदा की भी ये आवाज़ बुलंद हुई होगी, ऐ मेरे हुसैन क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए चक्कियाँ पीस के पाला था, ऐ मेरे हुसैन क्या इस दिन के लिए तुझे पाला था कि तेरा सर काट दिया जाए, तेरा सर काट दिया जाए और सैयदा तेरे इंतज़ार में रहे। ऐ हुसैन मैंने तुझे इसलिए पाला था, ऐ हुसैन तेरी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए जाए, ऐ हुसैन मैंने तुझे इसलिए पाला था कि खोली के तंदूर में तेरा सर रख दिया। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन फसयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यन्क़लिब। अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा इस घर के खून मैंने देखो वुजू किया है, इस इम्तिहान में इसने भी सुर्ख रू किया है, उसकी लहर अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा
किस कदर हूँ प्यासा, अम्मा बताओ क्यों कर सूखा गला था इतना। मैं गरीब हूँ मैं अम्मा, गरीब हूँ मैं किस कदर हूँ प्यासा, अम्मा बताओ क्यों कर सूखा गला था इतना। चलता नहीं था खंजर कब्जे में रखे को सर, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं। कैसा बाप था जो ए दौर इम्तिहानी, रोती रही सकीना मैं दे सका न पानी। आए यकीन क्यों कर अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं। बरछी जवां पिसर के सीने से मैंने खेची, अनसारो अकरबा की कासिम की लाश देखी। इब्ने अमीर होकर अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं। घोड़ों के दौड़ने से पामाल हो चुका हूँ, क्या अभी मैं वही हूँ। हैरा हूँ सोचता हूँ ना कबने पयंबर, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं। आखिरी दूसरा, आप आ गई है अम्मा, याद आ रहा है बचपन, वो साथ साथ चलना और अपने घर का आंगन। अब खाक का है बिस्तर, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं। फट न जाए अहले अज़ा का सीना, रोक ले यहीं पर सब रो रहे हैं सुनकर, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं, अम्मा गरीब हूँ मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वाजिल फरजहुम वसहिल मखरजहुम वरज़ुक़ना शफ़ातहुम वरहमना बिहिम या अरहमर राहिमीन। परवरदिगारा, तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज जो हमने ये ज़िक्र किया कोरोना के तमाम मरीज़ों की, मखसूसन वो मरीज़ के जो इस वक्त
वेंटिलेटर पे हैं और बहुत कसमकस के आलम में हैं, और मैं बता नहीं सकता जो मुझे पैगामात आ रहे हैं। परवरदिगारा तो ये वास्ता जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का, परवरदिगारा बीबी पाक का वास्ता, परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सदका, परवरदिगारा उन सब मरीजों को शिफा व आफियत उसे एतियाज लता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जिस जिसने हमसे इल्तमास दुआ के लिए कहा है, उन सब की दुआओं को अपनी फरमा। परवरदिगारा जो जो लावलद हैं, औलाद नरीना के मुतमन्नी और मुश्ताक हैं, बीबी उम्मे अलैहा की खाली गोद का वास्ता, उन सबको औलाद नरीना औलाद साले अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी अमवात पे अपनी रहमतों का नुजूल फरमा। परवरदिगारा जिस जिसने हमसे इल्तमास दुआ के लिए कहा है, उन सब की दुआओं को फर्दन फर्दन अपनी बारगाह अकदस में मंजूर व कबूल फरमा। परवरदिगारा वो हाथ जो आज़ादारी के खिलाफ बुरे इरादे से उठे, उन हाथों को कता फरमा। वो आँखें जो मैली निगाह से देखे, उन आँखों को अंधा फरमा। परवरदिगारा जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका, परवरदिगारा बीबी पाक का सदका, परवरदिगारा उस बीबी का सदका जो करबला से शाम तक ताज़ियाने खाती गई, परवरदिगारा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका, परवरदिगारा बीबी पाक का सदका, परवरदिगारा तमाम को दे तो सलामती के साथ तूले उम्र अता फरमा। परवरदिगारा इस वक्त काज़मी साहब, अदर काज़मी और उसके अलावा परवरदिगारा चंद अफराद और हैं जो इस वक्त मरीज हैं और शदीद बुरी हालत में हैं और वेंटिलेटर पर हैं, और परवरदिगारा तू आलिमुल ग़ैब तू जानता है परवरदिगारा जो कैफियत है, वास्ता जनाब सैयदा का, वास्ता बीमारी करबला का, वास्ता अहले बैत अलैहिस्सलाम का, इन सबको शिफा वाफियत से एतियाज अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता बीबी पाक का, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका, सब मरीजों को शिफा वाफियत से एतियाज अता फरमा। हमारे आका मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी खुशनूद फरमा। परवरदिगारा कोरोना के तमाम मरीजों को शिफा अता फरमा। परवरदिगारा जो जो बेघर है उनको घर अता फरमा, जो बेजर है उनको जर अता फरमा। परवरदिगारा हसन इकबाल की वालदा और मोहम्मद हसन की सेहत के लिए दुआ गो हैं, परवरदिगार सेहत सलामती अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, सैयदा कुलसूम जहरा की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हसन इकबाल भाई उनकी अहलिया को सेहत सलामती अता फरमा। वसी अब्बास की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। परवरदिगारा नुज़रत सिप्त की तमाम मुश्किल को, मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन और उनके अलावा तमाम अफराद जो हमारे दिन मौजूद हैं, सबकी तमाम की मुश्किल को दूर फरमा। ज़ैब शाह सैयद और मोहम्मद की, परवरदिगारा सैयद और मोहम्मद के लिए दुआ का कहा है कि मगफरत की परवरदिगार आलम मगफरत फरमा। और उसके अलावा हमारे दरमियान में जो जो मौजूद हैं परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हसन हुसैनी भाई की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। आगा शब्बीर हुसैन, सैयदा आगा अली हुसन हसनैन, अली रजा निसार ताज़ीन, कुलसूम मुस्तफ़ा राफे, तमाम की परवरदिगारा हाजात को, परेशानियों को पूरा फरमा और तमाम मुश्किल को दूर फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका, इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी खुशनूद फरमा। सैयद हामिद अली रिज़वी की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा सैयद मोहम्मद हसनैन की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। हसन हुसैनी भाई की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। पंजदा टीवी के तमाम अराकीन की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा वसी अब्बास की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का सदका, हमारे दरमियान जो जो मौजूद हैं, ज़ैब शाह और बाकी अफराद, बरकत अली शहर और वसी अब्बास, तमाम की तमाम हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहों की तरफ न देख बल्कि अपने रहमत के वसी दामन में हमारे गुनाहों को ढाँप दे। हमारे आका मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी और खुशनूद फरमा। हमें इमाम के लश्कर के अदना जाने सारों में शामिल फरमा। इमाम का ज़हूर हम सबके लिए आफियत और रहमत करार दे। जब तक ज़िंदा रहें मोहब्बत अहले बैत में ज़िंदा रहें, और जब इस दुनिया से जाएँ तो मोहब्बत अहले बैत का, इश्क़ अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगारा हमारे आका मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी और खुशनूद फरमा। ये वो ज़ियारत है जहाँ पर कम अफराद आते हैं, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पहुँचा हूँ आप सबके लिए दुआ के लिए। तफसीर जाफरी को परवरदिगार से सलामती अता फरमा। परवरदिगारा तमाम अफराद जो बीमार हैं, वास्ता बीमार करबला का, ज़ाहिर है बीमार करबला की औलाद की बारगाह में हम पहुँचे हैं। सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद के हम बारगाह में हम पहुँचे हैं। परवरदिगारा तुझे इमाम सज्जाद की अजमतों का वास्ता, तमाम मरीज़ों को शिफा वाफियत से एतियाज अता फरमा। तमाम कोरोना के मरीज़ों को शिफा वाफियत से एतियाज अता फरमा। हमारे आका मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी और खुशनूद फरमा। परवरदिगारा वो हाथ जो आज़ादारी के खिलाफ बुरे इरादे से उठे, उन हाथों को कता फरमा। परवरदिगारा सैयद हामिद अली रिज़वी के
वालिद मरहूम के लिए दुआ का कहा, परवरदिगार उनकी दर्जात बुलंद फरमा, मेरी वालदा के दर्जात बुलंद फरमा, हसन इकबाल भाई के वालिद बुजुर्गवार के दर्जात को बुलंद फरमा, परवरदिगार हमारे आका मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी व खुशनूद फरमा, शीरीन रिज़वी की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा, परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का निसार जैदी ताज़ीन ज़हरा अदील अकील अली हसनैन तस्वीर ज़हरा आगा शब्बीर सईदा आगा नाहीद तौकीर सायरा और फैमिली इन सब के लिए दुआगो हैं, इन सबकी मुश्किलात को आसान फरमा, परवरदिगार आसिया के लिए दुआगो हैं, परवरदिगार उनके नसीब अच्छे हो जाए, परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का नुज़रत गुलफाम को शिफा अता फरमा, तो बीमार है परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम परेशानियों को दूर फरमा, परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का एक मोमिन चलने फिरने से कासिर है उसको शिफा आफियत अता फरमा, बीमार करबला के बाजारों में चलने का सदका परवरदिगार सेहत सलामती अता फरमा, परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का शीरी रिज़वी की तमाम मुश्किल दूर फरमा, डॉक्टर शीरी की तमाम मुश्किल को आसान फरमा, परवरदिगार जो जो बीमार हैं अलील हैं हॉस्पिटलों में हैं या घरों में हैं ऐसे मरीज जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज ज़माना इमाम ज़माना का सदका उन सबको सेहत सलामती के साथ उम्र अता फरमा, हमारे आका मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी खुशनूद फरमा, परवरदिगार जो लावलद है औलाद नरीना के मुतमन्नी मुश्ताक है बीबी उम्मे रुबाब सलामुल्लाह अलैहा की खाली गोद का वास्ता उन सबको औलाद नरीना औलाद साले अता फरमा, फरहाज जाफरी फरहाज वारसी की तमाम मुश्किल को दूर फरमा, परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो ज़ियारत की तमन्ना दिल में लिए बैठे हैं अगले साल से पहले उन सबको ज़ियारात पर आने की तौफीक अता फरमा, वसी अब्बास की फैमिली के लिए दुआगो हैं, परवरदिगार इस वक्त तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का यहया भाई और तमाम अफराद जो बीमार हैं अलील हैं बीमार करबला का वास्ता, परवरदिगार कोरोना की बीमारी से सबको निजात अता फरमा, सबको शिफा अता फरमा, परवरदिगार मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन और मुश्तबा अब्बास को परवरदिगार उनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा, परवरदिगार तमाम परेशानी को दूर फरमा, मोहम्मद रजा उनकी फैमिली की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा, परवरदिगार हमारे आका इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी और खुशनूद फरमा, हमें इमाम के लश्कर के अदना जाने सारों में शामिल फरमा, इमाम का ज़हूर हम सब के लिए आफियत और रहमत जब तक ज़िंदा रहें, मोहब्बत अहले बैत में ज़िंदा रहें और जब इस दुनिया से जाएँ तो मोहब्बत अहले बैत का इश्क अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो, वो हाथ जो अहले बैत के खिलाफ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को काट दे, वो आंखें जो मैली निगाह से अहले बैत की तरफ देखे उन आंखों को अंधा फरमा, वो हाथ जो बुरे इरादे से उठे वो हाथों को काट दे, वो ज़बानें जो बुरा बोले अहले बैत के बारे में उन ज़बानों को गूंगा कर दे, हमारे आका के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के लश्कर के अदना जाने सारों में शामिल फरमा, बिरहमतिक या अरहमर रहीमीन, हैदर अब्बास के लिए दुआगो हैं और बाकी जो अफराद हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके लिए दुआ करूँ, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अबना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वाला जद्दे का वाबी को वाला उम्मे का वाखीक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या मौला या गरीब अल गुरबा या मुईन अज़ाफा अल फ़ुक़रा सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा रूही व जिस्मिल अकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम मौला या साहिब अज़्ज़मान या खलीफत अर्रहमान या शरीक अल कुरान या इमाम अल सिवल जान सैयदी व अबना सैयदी मौला या अबना मौला जल्लल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व आवानिक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, की बुलंदी के लिए दुआगो हैं और तमाम अफराद जो हमारे साथ मौजूद हैं उन सब के लिए दुआगो, अल्लाहु मग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाह हया मिनहु वल अमवात, अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दावात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, अस्सलामु अलैका या साहिब अल असर वल अमर वल ज़मान या खलीफत अर्रहमान या इमाम अल इंस वल जान सैयदी 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 मौलाया मौलाया मौलाया, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व आवानिक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, اللهم صل على فاطمه وابيها وبعليها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك, वसी अब्बास कह रहे हैं कि आपकी बुशरा की बीमारी दूर हो बहक के जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरजहुम, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी या अली, बरा खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, गुलशन गुलशन चंदा इंशाल्लाह।